हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, ये हमारे पास वीगो डेल का मोबाइल है हाफ शॉटिंग में। तो हाफ शॉटिंग है, उसकी कैसे रिमूव करनी है हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल येरो स्टार टैलेंट को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर हमारी आने वाली इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बसानी मिलती रहे। तो दोस्तों, हमने इसको पहले बिरोज एक मदद से दो कर देना है। इसके बाद हमने अक्सर हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हाफ शटिंग कहाँ से आ रही है और कैसे निकालनी है। तो दोस्तों, हम आपको आसान सा तरीका बताएंगे इसमें वीडियो में। तो दोस्तों, हमने एक बैटरी की मदद से हमने इसकी शॉटिंग निकालनी है। तो बैटरी का जो पॉजिटिव है वो हमने बोर्ड के नेगेटिव के करना है, और नेगेटिव जो है पॉजिटिव पे रखना है बैटरी के कनेक्टर पे। तो जब हम ऐसे बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पे निशान बन चुका है, यानी कि ये हैटी ऐसी हीट कर रहा है। तो अब हमने ये मैंने ऐसी कुछ कुछ नहीं करना भाई, ये सिग्नल ऐसी शॉट है इसका मतलब है, क्योंकि इस जगह से सिग्नल ऐसी की वो लाइन जा रही है। तो अब हमने इसका सिग्नल ऐसी रिमूव करना है, चेंज करना है। तो 100% हाफ शेडिंग का जो मसला है 100% ये सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हमने दूसरे पीसीबी से ऐसी निकालना है, ये ऐसी का नंबर है P8269, सॉरी 8269। ये हमने वीगो टेल के दूसरे I251 में से निकला है। तो अब हम इसको ये चेंज कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने बस एक ही ऐसी चेंज किया है, तो ये 100% ये हाफ शार्टिंग का जो इशू है सोल्व हो जाएगा। तो जैसे ये सीपीयू यानी कि हीट कर रहा था, तो हमने सीपीयू को कुछ नहीं करना, सीपीयू इसलिए हीट कर रहा था कि सिग्नल सेक्शन जो है इसी साइड पे है, तो इसलिए सीपीयू को हीट मिल रहा था, हीट कर रहा था। तो अब हमने सीपीयू को नहीं निकलना, हमने सिग्नल ऐसी को चेंज करना है। तो ये 100% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अब हम इसको ऐसी को लगा लेते हैं, सिग्नल ऐसी को। दोस्तों, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ शॉटिंग ये कहाँ से आती है। बस एक शॉर्ट क्लियर आपने बैटरी की मदद से बना लेना है। उसके बाद 100% ये हाफ शॉटिंग का जो इशू है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अब हम इसकी डिस्प्ले लगा लेते हैं। डिस्प्ले लगा के इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि हाफ शॉटिंग की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है कि नहीं। हाफ शॉटिंग में मोबाइल तो ऑन रहता है, लेकिन बैटरी का बैकअप कुछ भी नहीं होता। जैसे बैटरी फुल चार्ज होती है, तो यानी कि 2-4 घंटे के अंदर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है खुद ब खुद। दोस्तों, अब हमने इसको प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको पावर सप्लाई पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये नॉर्मल एम्पीयर ले रहा है, 12, 14, 15 पहले, यानी कि ये 60-70 के करीब तक ले रहा था। अब 100% ये इसका डिस्प्ले ऑफ हो चुका है, मोबाइल ऑन है, लेकिन एम्पीयर कुछ भी नहीं ले रहा। तो इसका मतलब है कि मोबाइल जो है 100% शॉर्टिंग में से निकल चुका है। ये देखें,